जो बैल है इसी के बारे में स्टोरियां हैं। तो तुम यहाँ पे खेत जोतने के लिए आए, को सोने के लिए, एक तरह दही आग गिरा, अन्य भगवान को भोजन परोस रहा था, यही इसके लाइट बत्ती को नहीं लगाया गया। बड़े बड़े कछुए हैं, मछली है। स्वागत है दोस्तों आप लोग को सेल्फी बॉय पर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रामबन अखाड़ा है, आज उसी के बारे में बताएंगे, जो कि भुरकुड़ा मठ है, जो उसी से रिलेटेड ये भी जुड़ा हुआ है, जो कि रामबन है, और इसी के बारे में आज आप लोग को बताएंगे। तो मैं फ़िलहाल में बता दूं कि यह भुरकुड़ा, जो कि जखिनिया और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पहले जो साधु संत थे यहीं पर आते थे तपस्वी करने के लिए, और आज उन्हीं के बारे में आप लोग को डिटेल बताएंगे। और जितने भी आप लोग को ये पीछे दिख रहा है जंगल टाइप, ये पहले एक समय था कि जो घना था, और आज उसी के बारे में बताएंगे। संत रहते हैं वहीं, उन्हीं से आप लोग को बात कराएंगे और आप लोग को जानकारियां देंगे। तो आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। ये है सदगुरु गुलाल साहेब भक्ति प्रकट्य, और स्थान राम अखाड़ा रामबन के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर गुला और गुलाब साहेब जी का यहाँ पर आप लोग को पहले तस्वीर नहीं बना था, यहाँ पर आप लोग को तस्वीर मूर्ति बनाया गया है। और ये बैल है, कुछ इसी के जो बैल है इसी के बारे में स्टोरियाँ हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा आपको जंगल टाइप दिखेगा, जो कि यहीं पर गुला और गुलाब साहब आते थे, ध्यान करते थे। और देख सकते हैं ये सब जितने आप लोग को दूर दूर से ये आप लोग को खेत दिखाई देगा, सब इन्हीं का था ये सब। आप हमारा नाम इंद्रदेव दास जी है, और हम भुरकुड़ा मठ में यहाँ पर 1986 से हैं। यहाँ पर जो है कि समाधि का पूजा पाठ अपने हाथ में था, और ये बुला झाड़ी, इस जगह को जो है कि बुला झाड़ी कहा जाता है, बुला साहब की झाड़ी। जब गुलाल साहब जमींदार थे तो बुला साहब उनके हलवा थे। ये जब खेत जोतने जाते तो जो है कि हल छोड़कर खेत जोतने जाते, तो इनका जब पूजा पाठ का समय होता था तो अपना हल छोड़कर जाकर झाड़ी में जाकर ध्यान में बैठ जाते थे। और भी जो नौकर चाकर थे आकर मालिक से शिकायत किए गुलाल साहब से कि हम लोग खेत जोतते हैं, ये बैठ कर सोता है। तो गुलाल साहब को मालूम हुआ तो गुलाल साहब गए आकर देखे बुला झाड़ी में, तो ये जो है कि बुला साहब उस समय ध्यान में थे, तो गुलाल साहब समझे कि ये सो रहा है, तो गए बुला साहब के पीछे, कहे कि तुम यहाँ पे खेत जोतने के लिए आए कि सोने के लिए। इतना कहकर पीछे से एक लात मारे, उसी समय अकस्मात एक दही आग गिरा, और बुला साहब कहे कि राजन, ये मैं तो ध्यान में भगवान को भोजन परोस रहा था, यही दही चलाने लगा था, आपने लात मार कर ठीक नहीं किया, दही गिर गया। तब गुलाल साहब देखे कि ये तो सिद्ध महात्मा है, तुरंत गुलाल साहब इनके पैर पर गिर गए और इनके शिष्य हो गए। यहीं से जो है कि मठ शुरुआत। हालांकि दोस्तों आप लोग को स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा होगा सुनने में, और काफ़ी ज़्यादा इनका स्टोरी है, अगर एक आध दो दिन तक सुनाया जाए स्टोरी फिर भी कम है, क्योंकि 8वीं गद्दी तक ये चलाया गया है, जो 2292 बीघा जमीन था, जो कि आपको नज़र से जितनी दूर तक दिख जाए उससे भी ज़्यादा दूरी तक है। ये जो भुरकुड़ा गांव है वो भी मठ में ही पड़ा हुआ है। जो रास्ता गया है गुला साहब गुलाल बाबा साहब ये चला जाएगा, जो कि जहाँ पर ध्यान करते थे, और जो बैल की स्टोरी सुनाया गया है, और ये तालाब है, जो कि पहले जो साधु संत आते थे यहाँ पर आते थे और इसी तालाब में नहाते थे, और काफ़ी यहाँ पर मेला भी लगता है, जो कि मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं। और ये आपको जंगल झाड़ी आने वाले समय में, काफ़ी दिन पहले उन लोग के ज़माने में जंगल झाड़ी था, और ये आश्रम बना हुआ है, आप लोग को चल कर दिखाएंगे, पहले तो भीखा साहब का दर्शन कराएंगे। हालांकि दोस्तों यह भीखा साहब का तस्वीर बनाया गया है,
और यह काफ़ी अंदर तक धुलपा टाइप दिखेगा। हालांकि दोस्तों यह काफ़ी फैलाव भी है, और ये ठीक सामने आपको भीखा साहब का मंदिर दिख जाएगा, और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। और यह यहाँ पर अखाड़ा होता है जिस दिन नागपंचमी रहता है, पचैया के दिन, और ये आपका आश्रम है। चलेंगे अंदर भी दिखाएंगे, और ये देख सकते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे तक यह पेड़ है, और यहाँ पर देख सकते हैं ठीक बगल में तालाब है, और इसमें दिखाएंगे बहुत बड़े बड़े कछुए हैं, मछली है, हालांकि कोई खाता नहीं है। और ये देख सकते हैं ये भी नहाने धोने के लिए यह बनाया गया था, और इसमें दुर्गा पूजा विसर्जन भी कराया गया है। और ये बहुत बड़ा तालाब था, और इसमें देख सकते हैं, और ये आपका पहले के जो साधु संत निवास करते थे यहाँ पर, उन्हीं के लिए बनाया गया है अंदर बैठने के लिए। इधर इसके लाइट बत्ती भी नहीं लगाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं खिड़की खोला गया है, और ये आपका दोनों तरफ ताखा है जिसमें रात में चिराग जलता था। ये छोटा सा रूम बनाया गया है, और ये आपका काफ़ी अंदर ठंडा भी है, मछली या कछुआ दिख जाएगा। ये देख सकते हैं बीच बीच में जो पानी हिल रहा है, मतलब गति कर रहा है, इधर उधर तैर रहा है इसी के अंदर। और इसी में मकर संक्रांति के दिन यानी खिचड़ी के दिन सब लोग आता है, नहाता है, और यहाँ पर मेला भी लगता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बहुत काफ़ी अच्छा शांति मिलता है मन को, और काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, भुरकुणा मठ आते हैं देखने के लिए, तो रामबन भी आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका स्टोरी बना हुआ है, और ये सत्य घटने पर आधारित है, और उसी पर गुलाल साहब का फोटो और मूर्ति बनाया गया है। हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। हालांकि दोस्तों यह आश्रम है, इसके अंदर चलेंगे और ऊपर भी देख सकते हैं, और यह सुरता और चूने का बना हुआ है, और ये अंदर से देख तो फट भी चुका है बगल में, और अंदर भी दिखाएंगे आप लोग को कैसा बना हुआ है। हालांकि साल भर पर इस पर चूना पेंट किया जाता है, और ये देख सकते हैं बिना पिलर का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ पर झाड़ू रखा हुआ है जो कि सुबह में लगाया जाता है झाड़ू, और ये देख सकते हैं जो कि काला काला ये दिख रहा है, ये हमको लगता है आश्रम जब था यहाँ पर खाना ना बनता था लोगों के लिए, इसी का यह धुआं लगा हुआ है। और आप लोग को ले चलेंगे ऊपर दिखाएंगे इधर से, और जो ये जो ताखा बनाया हुआ है पहले का, ये चिराग जलाने के लिए बना हुआ है, और इधर साइड से आपको ऊपर ले चलेंगे, और इसका सीढ़ी देख सकते हैं कितना खड़ा है, और इधर देख सकते हैं बीच बीच में मिट्टी भी खदर गया है, ख़त्म हो गया है। और ये देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार का था पहले का ज़माने का जो साधु संत लोग निवास करते थे। इसके अंदर भी देख सकते हैं दो ताखा बनाया हुआ है, एक इधर एक साइड में, और ये देख सकते हैं पहले कितना इस पर ताखा बनाया गया है चिराग जलाने के लिए। पहले का कुछ इस प्रकार का था दोस्तों, और ये आपका ऊपर का है, दिख जाएगा अच्छे से। और ये पानी गिरने के लिए होल बनाया गया है, ये आपका, और यहाँ पर भी आप पीछे देख सकते हैं कई भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, जो कि शंकर भगवान हैं, दुर्गा जी हैं, बजरंग बली हैं, यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर समाधि भी दिख जाएगा आपको बने हुए, और देख सकते हैं काफ़ी ऊपर ऊपर तक वृक्ष है, और यहाँ पर कभी कभी बंदर भी आ जाते हैं। और ये आपका सीधे रोड दिख जाएगा जो कि जाने के लिए भुरकुणा गांव में, और वो ठीक सामने जो खम्मा दिख रहा है ये आपको, वो डिग्री कॉलेज है उसी के ठीक बगल में।
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ पहुँचे और लोग भी आएँ यहाँ पर देखने के लिए और यहाँ की कुछ जानकारियाँ सुनने के लिए।